ये है मनीष मल्होत्रा का फैशन डिजाइनिंग स्टोर। आप लोग फोटो से मैच करवा सकते हैं बगल में, और यहाँ पर देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर लहंगे वगैरह रखे हुए हैं, कितनी बढ़िया कपड़ों की कलेक्शन है। इस साइड भी आप लोग देख सकते हैं। अभी हम आपको इन कपड़ों की प्राइस भी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, इनके अंदर का वीडियो भी दिखाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंस के ब्लॉग। दोस्तों, फाइनली अभी हम आ चुके हैं मुंबई के खार वेस्ट इलाके में, और आज के इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को दिखाने वाले हैं मशहूर डिजाइनर मनीष मल्होत्रा का फैशन डिजाइनिंग स्टोर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आप लोगों ने रणबीर कपूर से लेकर अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन, सलमान खान, शाहरुख खान के कपड़े देखते ही होंगे, यहाँ तक कि दीपिका पादुकोण हो गई, ऐश्वर्या राय बच्चन हो गई, जाह्नवी कपूर हो गई, ये सारे लोग अपने कपड़े कहाँ से डिजाइन करवाते हैं ना, वो मनीष मल्होत्रा के उसी फैशन डिजाइनिंग स्टोर से। जी हाँ दोस्तों, ये जितने लोग भी एक्टर्स लोग या बड़े बड़े बिजनेसमैन के घर के लोग कपड़े पहनते हैं, वो कपड़े उन्हीं के फैशन डिजाइनिंग स्टोर से आता है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको वहीं का टूर देने वाला हूँ कि इतने बढ़िया बढ़िया कपड़े मनीष मल्होत्रा के फैशन डिजाइनिंग स्टोर में रखे हुए हैं, उसमें लहंगे की प्राइस कितनी है, और सूट की प्राइस कितनी है, और जेंट्स कपड़ों की प्राइस कितनी है, और कुछ कपड़ों का कलेक्शन भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये सवाल आता है कि जो एक्टर, जो हीरो हीरोइन लोग कपड़े पहनते हैं, वो कहाँ से आते हैं, कौन बनाता है, कौन डिजाइन करता है। तो भाई साहब, वो मनीष मल्होत्रा ही डिजाइन करते हैं। फिलहाल इनका मुंबई के अलावा अब दिल्ली और हैदराबाद में भी स्टोर खुल चुका है। तो चलिए हम चलते हैं और देखते हैं कि मुंबई में उनका वो फैशन डिजाइनिंग स्टोर कहां पर है, जहां से सारे एक्टर्स और एक्ट्रेस कपड़े खरीद के भाई साहब डिजाइनिंग करवा के पहनते हैं और इतने प्यारे लगते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मनीष मल्होत्रा के पूरा स्टोर का टूर देने वाला हूँ, कपड़ों का कलेक्शन वगैरह सब कुछ दिखाऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए गाइस, वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, फाइनली हम लोग मनीष मल्होत्रा के डिजाइनिंग स्टोर के सामने आ चुके हैं, और ये जो आप लोग ऊंची सी बिल्डिंग देख रहे हैं ना, यही उनका डिजाइनिंग स्टोर है पूरा का पूरा। भाई, इसमें पूरे कपड़े रखे हुए हैं और एक से एक कपड़े हैं, और यहाँ पर देखिए मनीष मल्होत्रा का नाम भी लिखा हुआ है। और ये काफ़ी बिल्डिंग जो है काफ़ी सुंदर लग रही है, और बाहर से ही काफ़ी सुंदर सुंदर यहाँ पर लहंगे रखे हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसपे काफ़ी ज़्यादा कढ़ाई की गई है, डिजाइनिंग की गई है, और इधर भी कपड़ों का कलेक्शन कुछ रखा हुआ दिखाई दे रहा है। अभी हम आपको इसके अंदर का भी वीडियो दिखाएंगे, और आपको ना इन कपड़ों की प्राइस भी बताएंगे। आप लोग प्राइस सुनोगे ना तो आप लोग शायद चौंक जाओगे। दोस्तों, हम बता दें आपको कि जब भी बेस्ट फैशन डिजाइनर की बात होती है ना, तो मन में सबसे पहला नाम ना मनीष मल्होत्रा का जरूर आता है। मनीष मल्होत्रा सिर्फ एक क्लास डिजाइनर नहीं, बल्कि ज्वेलरी डिजाइनर और स्टाइलिस्ट भी हैं। मतलब वो किसी को भी उनके हिसाब से नया लुक देने में माहिर हैं। इनका जन्म जो है ना 5 दिसंबर 1966 में हुआ था। 2005 में मनीष मल्होत्रा ने काउचर लेबल मनीष मल्होत्रा लॉन्च किया, जो मुंबई और नई दिल्ली में है। ये लेबल भारत और दुबई में मल्टी ब्रांड बुटीक में भी उपलब्ध है, और यही इनका डिजाइनिंग स्टोर है, जहां से बड़े बड़े सेलिब्रिटी अपने कपड़े बनवाते हैं, यानी कि डिजाइनिंग करवाते हैं। और उनका मेन गेट भी आप लोग देख सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा बाहर ग्रीनरी भी है, और इतने कपड़े यहां से बाहर से ही दिखाई दे रहे हैं, और काफ़ी सुंदर सुंदर यहां पर कपड़े रखे गए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि मनीष मल्होत्रा ने स्वर्ग फिल्म जो आई थी, जिसमें जूही चावला थी, उनके लिए उस फिल्म में उन्होंने 3 ड्रेस डिजाइन किए थे, जिसके बाद वो फिल्म इंडस्ट्री में छा गए। और उसके बाद उन्होंने कई बेहतरीन एक्ट्रेस और एक्टर्स के ड्रेस डिजाइन किए, जैसे श्रीदेवी, करिश्मा कपूर, जूही चावला, काजोल, माधुरी दीक्षित, रवीना टंडन, ऐश्वर्या राय, करीना कपूर, रानी मुखर्जी, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान और अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन, अमिताभ बच्चन, सबके ड्रेस इन्होंने डिजाइन किए हैं और अभी भी करते हुए आते हैं। इनके दुकान पर यानी शॉप के सामने रोजाना 2 से 3 एक्ट्रेस और एक्टर आते रहते हैं। दोस्तों, मनीष मल्होत्रा ने ही आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स की जर्सी भी डिजाइन की है। यही नहीं, मनीष डेमू मूरे, काइल मिनोग, कोरलिन कुरकुआ, केट मॉस और नाओमी कैंपेबल जैसे हॉलीवुड सितारों के लिए भी काम किए हैं। और यहाँ बगल में आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो इसी स्टोर के अंदर का है, जहाँ पे मनीष मल्होत्रा
कपड़ों के कलेक्शन को यहाँ पर ठीक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देखिए कितने सुंदर सुंदर और अच्छे अच्छे यहाँ पर अंदर भी लहंगे रखे हुए दिखाई दे रहे हैं। कितनी बढ़िया कढ़ाई की गई है और क्या डिजाइनिंग किया है इन्होंने, यहाँ पर देख सकते हैं। ये इसी के अंदर का वीडियो है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर सूट से लेकर लहंगे वगैरह सब कुछ रखे हुए हैं और ये पूरा डिजाइनिंग स्टोर इसी बिल्डिंग के अंदर का है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों आप लोग जो ये कियारा आडवाणी कपड़े पहनी हुई हैं इसकी प्राइस जानना चाहते हैं तो इसकी प्राइस है 5,95,000 रुपये। और ये कृति सेनन जो कपड़े पहनी हुई हैं इसकी प्राइस है 5,45,000 रुपये। और यहाँ पर जो कपड़े दीपिका पादुकोण पहनी हुई हैं इसकी प्राइस है करीब 4,45,000 रुपये। और यहाँ पर सानिया मिर्जा ने जो यहाँ पर सूट पहने हुए हैं इसकी प्राइस है 3,95,000 रुपये। और यहाँ पर जो कृति सेनन ने ये कपड़े पहने हैं इसकी प्राइस है 4,65,000 रुपये। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो राघव चड्ढा के साथ प्रीति चोपड़ा जो सूट पहनी हुई है इसकी प्राइस है 2,45,000 रुपये। और यहीं बगल में जो ऐश्वर्या राय बच्चन ये कपड़े पहनी हुई हैं इसकी प्राइस है 6,50,000 रुपये। और जो यहाँ पर वरुण धवन ने सूट्स पहने हुए हैं इसकी प्राइस है 2,45,000 रुपये। और ये जाह्नवी कपूर के जो कपड़े आप लोग देख रहे हैं इसकी प्राइस है 3,85,000 रुपये। और यहाँ पर सिद्धार्थ मल्होत्रा की पत्नी जो कियारा आडवाणी हैं इनके इस कपड़े की प्राइस है 6,50,000 रुपये। और यहाँ पर जो श्रद्धा कपूर ने लहंगे पहन रखे हैं इस लहंगे की प्राइस है 4,45,000 रुपये। और यहाँ पर जो रणबीर कपूर हैं इनके इस सूट की प्राइस है 2,65,000 रुपये। और यहाँ पर जो कियारा आडवाणी ने लहंगे डाल रखे हैं इसकी प्राइस है 3,85,000 रुपये। और सिद्धार्थ मल्होत्रा के इस सूट की प्राइस है 4,65,000 रुपये। और यहाँ पर जो आलिया भट्ट ने ये लहंगे डाल रखे हैं इसकी प्राइस है 4,95,000 रुपये। और रणबीर सिंह के सूट की प्राइस है 6,35,000 रुपये। दोस्तों बहुत से कम लोग जानते होंगे कि मनीष मल्होत्रा फैशन इंडस्ट्री में आने से पहले ना विदेश से पढ़ाई नहीं बल्कि उन्होंने एक बुटीक में 500 रुपये महीना सैलरी पर काम किया था। सबसे खास बात यह थी कि उन्हें अपनी इस कम सैलरी से कोई शिकायत नहीं थी क्योंकि वह विदेश पढ़ने नहीं जा सकते थे और ऐसे में यह बुटीक उनके लिए सीखने का सबसे बड़ा माध्यम था और उनको इसका काफ़ी शौक भी है। आखिर उनकी मेहनत लास्ट में जाकर काम आई और 25 साल की उम्र में उन्हें पहला अपना ब्रेक मिला। उन्हें जूही चावला की फिल्म में बतौर डिजाइनर काम करना था और हालांकि मनीष के करियर के लिए टर्निंग पॉइंट फिल्म रंगीला साबित हुई जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया था। बॉलीवुड स्टाइलिस्ट से लेकर घरेलू महिला तक मनीष मल्होत्रा के कलेक्शन को हमेशा से टॉप च्वाइस बताया जाता है। स्विक्वीन वेलवेट और सॉर्टीरियल एरोटिका इस डिजाइनर का सिग्नेचर स्टाइल रहा है। इसके लिए मनीष मल्होत्रा ने कुल 47 अवार्ड जीते हैं और 49 अवार्ड्स के लिए उन्हें नॉमिनेट भी किया गया था। तो यही है मनीष मल्होत्रा का डिजाइनिंग स्टोर जिसे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, जहां से बड़े बड़े फिल्मी सितारे अपने कपड़े डिजाइन करवाते हैं और उसे पहनते हैं जिसे हम बड़े पर्दों पर मूवी पर या किसी फैशन शो में देखते हैं। ये हॉलीवुड सितारों के लिए भी कपड़े डिजाइन करते हैं। ये मुंबई के खार वेस्ट में स्थित है। तो फाइनली गाइज ये जो ऊँची सी बिल्डिंग देख रहे हैं आप लोग यही है मनीष मल्होत्रा का फैशन डिजाइनिंग स्टोर। मैंने आपको इनके पूरा फैशन डिजाइनिंग स्टोर का नज़ारा दिखा दिया है कि ये मुंबई में कहां पर है और इसमें कपड़े जो हैं वो कितने महंगे हैं और भी महंगे महंगे कपड़े हैं 15 लाख 20 लाख के भी, लेकिन मैंने आपको जितना हो सका उतना दिखा दिया है। तो उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जल्द ही मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद जय भारत।